लगता है करंट मिस हो गया इसका। बहुत टाइम से खड़ी हुई थी ये, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम खोल के देखते हैं, देखते हैं प्लग चेंज करके क्या रहता है इसका। पहले मैं रोड से साइड में लगाता हूँ इसको, मुझे देखना पड़ेगा इसको। ये देखिए तेल बाहर आ गया, ये ऊपर से मैंने करा है इसको, इसको थोड़ा मैं पहले क्लीन कर दूं। ये जो ऑयल इसका, ये इसका प्लग होता है, ये प्लग दिस, ये कई बार स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है तो हमारे को प्लग को इसको चेक करना होता है। ये इसका प्लग है, ये वाला, ठीक है। तो इसका प्लग अभी चेक करके देखते हैं, मैं देखता हूँ पहले कि टूल बॉक्स में एक्स्ट्रा प्लग है या नहीं है। ये इसका टूल बॉक्स है, ठीक। इसको मैंने ये ऐसे किए, हाँ वाओ, इसमें क्या क्या है। हाँ ये तो इसका प्लग का, ये इससे प्लग खुलेगा, ये तो है अभी, ठीक। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है, और ये एक्स्ट्रा ट्यूब है, और ये इसका टूल बॉक्स जो इसमें, अभी इसको हम चेक करते हैं प्लग का, इसमें शायद कुछ मिल जाए। ये इसकी कुछ चाबियां हैं, ये नहीं, इसमें प्लग नहीं है, मेरे हिसाब से प्लग नहीं है इसमें। और इसको अभी मैं एक बार फिर चेक करता हूँ अभी, ये दूसरा मैं टूल बॉक्स भी चेक करता हूँ, हो सकता है। इसको नीचे करके इसमें इसके पेपर्स हैं, इसको ये फिल्टर, एक्चुअली मैं ये फिल्टर, एयर फिल्टर, ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी रखा हुआ है, ये फ्यूज़, एक्स्ट्रा फ्यूज़ का भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है, हो सकता है इसका फ्यूज़ भी उड़ गया हो। और ये देखिए, हाँ ये इसका एक्स्ट्रा प्लग मिल गया है, रॉयल इनफील्ड का ही प्लग है ये, हाँ। और अभी ये बिल्कुल अनयूज्ड है, अनयूज्ड, हाँ। इसको अभी हम ट्राई करके देखते हैं, इसको डालते हैं फिर इसका स्टार्टिंग का, वैसे होता नहीं है इसके अंदर कभी ऐसा प्रॉब्लम। ये लॉकडाउन है एक्चुअली में खड़ी रहती है और यूज नहीं होती है, तो हो सकता है कि ये चीज़ हो गई हो। तो मैं इसका प्लग खोलना और इसका भी करता हूँ स्टार्ट, हाँ को मैंने भी करते ठीक। ये इसका एडॉप्टर है, मीन्स इसको हम ऐसे ये ऊपर निकालेंगे, ठीक है, इसको सेफली निकालना है। और कई बार ये लूज होने से भी करंट का, और इसका ये भी मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल फिक्स है, ठीक। और ठीक है, तो मैं ये देखिए, मैं अब इसका जो प्लग है ये, इसको फिक्स किया है अभी मैंने,
और इसको हल्का सा मैं दिखाइए पुश करके खोल दिया है। अब मैं इसको ऐसे करके देखिए ये सब ये प्लग खुल रहा है इसका, ठीक है। ये देखिए, कहीं आप परेशान हो जाए, फंस जाए, स्टार्टिंग चलते चलते बंद हो जाए, कहते हैं भाई प्लग में कचरा आ गया है या प्लग ख़राब हो गया है या प्लग शॉर्ट हो गया है, तो उस केस में आप इसको ऐसे खोल सकते हैं। देखिए बहुत इजी है लेकिन सेफली, ठीक है। छोटी सी गलती से परेशानी हो सकती है इसके अंदर। हेलो हेलो, ले अच्छा डॉगी रे ले, अच्छा देख रहा है वीडियो, ओके। हाँ ये इसका प्लग है, एक्चुअली में ये प्लग है, देखिए ना कितना थोड़ा काला हो गया ये, खड़े खड़े कार्बन आ जाता है, और उस कंडीशन में इसको हम क्लीन भी कर सकते हैं। हाँ क्लीन भी कर सकते हैं। अब क्लीन करने के लिए हम पे कुछ नहीं होगा, एक कपड़ा तो होगा ही, एटलीस्ट कपड़ा तो देखिए ये मैं ये है, और नहीं तो एक्स्ट्रा भी रखता हूँ मैं जैसे इसमें टूल्स में, ठीक। तो मैं इसके कपड़े को ये मैं इसको ऐसे जस्ट क्लीन भी करता हूँ, ठीक है। क्लीन करने का एक तो ये तो सब नॉर्मली जानते हैं कि ये क्लीन करने का है, लेकिन इसको सही क्लीन करने के लिए इस कपड़े को आप ऐसे ना किसी भी तरीके से दबा लीजिए और इसको ऐसे करिए, दिस पोजिशन जो इसका अंदर का ये है ना, ये क्लीन होना चाहिए। ये देखिए ये, और ज़्यादा क्लीन करना है तो ये आपका पेट्रोल पाइप है, ये देखिए ना ये, ओ सॉरी इसे बंद करें, पेट्रोल है ये एक्चुअली में, देखिए ना ये इसको थोड़ा सा ही हल्का सा खोलें, ये ज़्यादा नहीं खोलना आपको, ये देखिए इसको हम इससे वॉश कर सकते हैं, ज़्यादा पेट्रोल नहीं चाहिए, बहुत स्लो, ये देखिए ये वॉश करने से इसको ठीक, ये हमने वॉश कर लिया है, अब इसको पेट्रोल को बंद कर दिया है, ठीक है। ये बंद करने के बाद इसको ज़रूर लगा दीजिए, ये पेट्रोल का पाइप ये बहुत ज़रूरी है, और इसको हम क्लीन ज़रूर कर दें, थोड़ा बहुत पेट्रोल भी रहता है, ठीक है। और ये देखिए इसको भी क्लीन कर दें, ठीक, पेट्रोल का ये सारा। हाँ अब ये थोड़ा सा क्लीन हो गया है, क्लीन करने के बाद हम इसको ये ऐसे इस तरीके से देखिए ना, हाँ काफ़ी क्लीन हो गया ये जो ब्लैक पोर्शन है इसका, ये बहुत पहले से क्लीन हो चुका है, ठीक। लेकिन मैं ये प्लग नहीं लगाऊंगा, मैं नया ही प्लग लगाता हूँ अभी आपको, ये वाला नया प्लग है, इसको मैं इसमें रख दूंगा, इसको मैं एक्चुअली मैं ये इसको मैं ओपन ही करता हूँ, ठीक। और ये देखिए अभी मैं आपको दोनों का डिफरेंस भी दिखा दूंगा, ये देखिए ये पुराना प्लग है और ये नया प्लग है, तो ये कितना क्लीन हो रहा है और ये थोड़ा ब्लैक हो चुका है, ठीक। हाँ ये ठीक है। अब एक्चुअली में क्या है, इसका जो गैप है थोड़ा सा कम है, अब इसको हम गैप को थोड़ा करने के लिए इसको हमें इसको ये जो इसका ये देखिए ना ये पिन है, इसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा ऊपर। हाँ तो मैं इसके लिए टूल बॉक्स में से एक छोटा सा निकालता हूँ, इसको ये देखिए ये मैं थोड़ा सा इसको प्रेस करूँगा, ये शायद प्रेस करके ये इतना हो गया। इन दोनों का गैप ये देखिए, ये पुराने वाला है, इसका गैप भी इसके अंदर ज़्यादा है, और ये नए वाले का इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमारे को प्लग के लिए, ठीक। तो मैं ये पुराना प्लग है इसका, मैं इसको वापिस ये इसको रख देता हूँ, एक्स्ट्रा में रख सकते हैं,
ये पुराना प्लग हो गया, इसको मैं अपने टूल बॉक्स में सेफली रख लेता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें याद रखने वाली चीजें हैं एक्चुअली में। अब मैं इसको देखिए ना लगाता हूँ मैं। हाँ, एक चीज़ और है, जब भी हम प्लग लगाएंगे, अब खोलना बहुत इजी है किसी भी चीज़ को, लेकिन उसको लगाने में सही ना पता हो तो परेशानी हो सकती है आपको। ये देखिए, अब मैं प्लग इसको, ये इसका लिंक दिखाइए, ये ना ये होल है इसका, ठीक है, जिसमें प्लग लगेगा। ठीक, अब मैं इसको प्लग को बहुत आराम से लगाऊंगा। देखिए, ये देखिए ना, इसको बहुत इजीली, अब ये इसके अंदर आराम से जा रहा है ये, ठीक है। अब ये इन केस टाइट चढ़ता है, इसका जो चूड़िया है, जो भी इसका ये प्लग को चढ़ने का है, ये टाइट चढ़ती है, तो मत चढ़ाइएगा प्लीज़, ज़बरदस्ती इसको नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि ये चूड़ियाँ स्लिप हो सकती हैं। ये एल्युमिनियम का बेस है हमारा, जो ऊपर का ये पार्ट है एल्युमिनियम है, और नीचे का ये वाला है ये आयरन का है। एल्युमिनियम गर्म होने के बाद इसका जो ग्रिप है वो कम हो जाता है, तो प्लग, ज़्यादा गाड़ी आपकी दूर से चल के आ रही है तो इमीजिएटली प्लग भी नहीं खोलना चाहिए। ठीक, देन यू ये देखिए, इसको आराम से ऐसे स्लो स्लो चढ़ाइए। देखिए बड़ा इजी चढ़ रहा है, बहुत स्मूथ, ठीक है ना जी। ये देखिए, ये तो हाथ से ही चढ़ रहा है उल्टा, ये बहुत इजी। देखिए अब ये लास्ट हो गया है, हाथ से चढ़ गया है, बिल्कुल लास्ट हो गया है। फिर मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, अभी देखिए निकल नहीं रहा है, इसको मैं इसको यूज़ करूँगा, फिर मैंने खोला है, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत, ये तो मैंने आराम आराम से ही चढ़ाना है आपको, ये जल्दी नहीं करनी, इसमें छोटी सी जल्दी से जल्दबाजी में नुकसान हो जाएगा। ये फिर देखिए, ऐसे हाथ से ही लेना है, इससे नहीं चढ़ाना पहले। जब ये लगाया, बिल्कुल इजी चढ़ रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये अभी तो ये ठंडी है हमारी बाइक, बट लंबे रूट पे अभी कई बार हो जाता है ऐसा, तो इसको कपड़ा, कॉटन या कोई चीज़ यूज़ करके, ग्लव्स पहन के तब कर सकते हैं आप, ये सब गर्म होता है। अभी तो देखिए ना, सब ठंडा पड़ा हुआ है ये, ठीक है। हाँ, ये एल्युमिनियम है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। फिर ये देखिए, ये टर्न हो रहा है, ठीक है। अब ये इसको हम, अब ये लास्ट हो गया है, ओके। अब इसके बाद इसको फिर हम फिर वही सेम ऐसे लगाएंगे, और ये इसका, इसके अंदर ये दिया हुआ है, इसको हम कसेंगे, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा कसना है, ज़्यादा नहीं कसना। और ये देखिए, इसको अब ये लगा के इसको ऐसे किए। और इस पर एक चीज़ और, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, चूड़ियाँ भी ख़राब होती हैं, प्लस कभी कभी होता है, रेयर है, कि प्लग भी टूट सकता है। तो इसको लगना है कि हमारे को ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा ये हो गया, रुक रुक कैसे, ये थोड़ा प्रेस कर रहा हूँ मैं, ये देखिए डायरेक्शन, इसको अब हम ये बस, ठीक है, ये हो गया। अब इसको इजीली बस निकाल के, और इसका जो ये अडॉप्टर है, ये कई बार ये लूज़ होता है, ये मैं आपको इसका भी, चलो मैं दिखाई देता हूँ। ये एक्चुअली मैं, ये वायर्स होती हैं इसकी, करंट को पास करती हैं, कॉइल से कनेक्ट होती हैं, और ये हाँ कई बार भीगने के कारण भी इसमें भीग जाता है, तब भी इसमें मॉइस्चराइज़र आ जाता है, तो इसको भी क्लीन कर लेना चाहिए। अब खुला है तो इसको देखिए ना, इससे मैं कनेक्ट करके ऐसे, एक दो तीन, ये 8 या 10 बार इसको राउंड करना पड़ेगा, और ये ठीक है, इस पर भी बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है। अब ये लेके इसको मुझे प्रेस कर देना है, प्रेस ज़रूर करना है, जो इसकी ग्रिप, अब चेक कर लें एक बार ये। अब मैंने पेट्रोल बंद है, इसको मुझे ये
अच्छा एक चीज़ है पेट्रोल के, मुझसे याद आ गया, ये मेन है, नीचे जो एरो होता है ये मेन का होता है कि इसमें पेट्रोल है मेन में, ये ऑफ है ठीक है, बीच में लॉक है, ऑफ हो गया। और ये मोस्टली ये बुलेट के अंदर आप इसको ज़रूर रात को बंद कर दें, या साइड स्टैंड पे लगा रहे हैं तब भी इसको बंद करें पेट्रोल को, ओवरफ्लो नहीं होगी। और ये इसको मैं, ये मेन है, ये सॉरी रिजर्व है, रिजर्व में पेट्रोल कम ही रहता है, एक डेढ़ एक लीटर सवा लीटर ठीक। और ये मैं इसको मेन में, ये पेट्रोल चालू हो गया, मैं इसका ये टूल बॉक्स, ये टूल बॉक्स में प्लग जरूर होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा एक क्लच वायर प्लग्स और फ्यूज भी ठीक है। इसको मैं टूल बॉक्स को मैं इसको रख दिया है, ये तो पूरा ज़्यादा फुल हुआ पड़ा है, इसमें स्पेस ही बहुत कम हो गया है। और एक इसके अंदर ये ट्यूब भी रखी हुई है, एक्स्ट्रा ट्यूब रखी हुई है, ये तो जब लॉन्ग पे जा रहे हैं तब ऐसे दिल्ली और लोकल में तो मोस्टली सब चीज़ें मिल जाती हैं। ये इसको थोड़ा प्रेस करा, ये तो प्रेस को अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा ठीक है।